गांधी बोस ने कॉल की थी और तीन बजे गांधी सोया हुआ था। तो जब उसी टाइम पे हमारे कैद आजम मोहम्मद अली जिनाह साहब को रहमत अल्लाह को उसको कॉल की तो वो जाग रहा था। उसने कहा बड़ी अजीब बात है, गांधी तो सो रहा है और आप जाग रहे हैं। उसने एक मिसाल दी, उसने कहा कि कौन जाग रही है, इसने गांधी सो रहा है और मेरी कौन जो है वो सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूँ। आज उस वक्त से लेकर आज तक हमारी कौन सोई हुई है उसको हक का नहीं पता कि हक क्या चीज़ है। जब आप हक के लिए निकलेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर आपको फ्यूचर का भी पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं यकीन कि ये कौम खड़ी होगी, इसको मजीद 150 साल लगेंगे शायद मशरक अल्लामा इकबाल जैसे मुफक्कर की ज़रूरत होगी इस कौम को जगाने के लिए। और ये ईमान की गैरत से होती है, जब ये बंदे में ईमान होता है फिर बंदा किसी भी खौफ खतरे से, जिस तरह हमारे कायद कहते हैं इमरान खान साहब की जब ला इलाहा आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर खौफ खत्म होता है। तो यही खौफ होता है जो लोग लेके आते हैं। लोग बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की। मैं भाई सदीक भाई एक बात मैं कहना चाहता हूँ इमरान रियाज भाई के लिए, और इसको लाजमी आप चलाएं कि पूरा पाकिस्तान आज कह रहा है कि मैं भी इमरान रियाज हूँ। ये हमारी जबानें बंद नहीं कर सकते और हम हक सच के साथ इमरान रियाज भाई 22 करोड़ आवाम की आवाज़ हैं। उन्होंने हर बंदे को बताया कि आपके हकूक क्या है, क्या है असल सियासत क्या है, और आज पूरी पाकिस्तानी कौम ये बता रही है कि हर बंदा इमरान रियाज है। और मैं इमरान रियाज भाई को कहता हूँ कि डट के खड़े रहे, पूरे पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। आपकी वजह से 22 करोड़ आवाम के अंदर जज्बा पैदा हुआ है बात करने का, और ये कौम अब डट के खड़ी रहेगी और अपने हकूक के लिए आवाज उठाती रहेगी। बहुत शुक्रिया। अब हम यहाँ से रवाना होते हैं क्योंकि रावलपिंडी पहुँचना है। सर मैं मैं तो इमरान खान साहब को बोलता हूँ अल्लाह आपको तरक्की दे और अल्लाह आपको इस सीट पे दोबारा दे इंशाल्लाह। लोग आगे मैं इमरान खान को खबर देना चाहता हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी दुआ इमरान खान को लग जाए कि अल्लाह ताला इमरान खान को अपनी सीट पे लाए। मेरी इमरान खान को ये खबर मेरी पहुँचना चाहिए कि गरीब आदमी एक मुसलमान मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सदीक भाई एक मिनट, जो जिला कौन सा जिला कचहरी के अंदर का माहौल था वो ये था कि खुदा न खास्ता हालात ऐसे क्रिएट किए गए थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भी लोगों को डर लग रहा था कि कहीं हम पे भी दहशतगर्दी का परचन हो जाए। तो किसकी जबान आप नहीं बंद कर सकोगे? हम इमरान खान के साथ इमरान गलत बात की है तो मैं इमरान खान को बोलता हूँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अल्लाह बहुत तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम।